नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। दरअसल हरीश रावत समय समय पर राज्य सरकार को गुड गवर्नेंस का सुझाव देते रहते हैं। इस बार उन्होंने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी को सुझाव दिया। उनके सुझाव पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते हैं। बता दें कि हरीश रावत ने सीएम धामी को सुझाव दिया है कि वो हर तीसरे दिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। हरदा ने महज इतना ही नहीं कहा बल्कि ये तक कह डाला कि चारधाम यात्रा में जो भी खामी संज्ञान में आ रही है उसे दूर करने के निर्देश भी दिए जाएं और उसकी दोबारा समीक्षा भी की जाए, ताकि पता चल सके कि आखिरकार राज्य में चारधाम यात्रा कितनी व्यवस्थित तरीके से चल रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लिहाजा सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे दूरदराज से आने वाले लोगों को चाक चौबंद सुविधाएं मिल सके। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने हरदा पर खासा तंज कसा है। विनोद सुयाल ने कहा कि हरीश रावत को अच्छे कामों के लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए, राज्य हित में सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। स्थितियां गंभीर है, राज्य सरकार के पास कोई चारधाम यात्रा संचालन की नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है, और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था कि हर तीसरे दिन आप मॉनिटरिंग करिए चारधाम यात्रा की, और जो खामियां पिछली मॉनिटरिंग में सामने आई है उनका निराकरण हो रहा नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित लोगों को उसके लिए दंडित करिए। यहाँ तो हर कोई विशेषज्ञ बना पड़ा है, व्यवस्था बनाने में लगा पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति, चारधाम यात्रा राजनीति का हिस्सा हो। यदि ये राजनीति का हिस्सा है तो भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ ऐसी राजनीति करने वालों से उत्तराखंड को और देश को और सनातन धर्म को बचा, हिंदू धर्म को बचा। देखिए, चारधाम यात्रा ने इस समय पूरे देश दुनिया के अंदर धूम मचाई है। जिस तरह से सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं की हैं और इस समय रिकॉर्ड तीर्थयात्री इस समय उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के सभी वर्ग, व्यापारी से लेकर परिवहन से लेकर सबके चेहरे पर सुंदर मुस्कान है। उत्तराखंड तीर्थाटन का हब बनता जा रहा है। हरीश रावत जी को मेरी सलाह है कि अच्छे कामों के लिए उन्हें सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और राज्य के हित में उन्हें सकारात्मक बातों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय बढ़ाएगी। उन्होंने ब्लॉक प्रमुखों की निधि भी बढ़ाए जाने और राज्य अतिथि गृह की सुविधा देने की मांग का आकलन कर उचित फैसला लेने का आश्वासन भी दिया। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का बयान सामने आया है। विनोद सुयाल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ब्लॉक प्रमुख महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार की योजनाएं आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है। पिछले 9 सालों में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे भी बढ़ाया गया है। हमारी पंचायतें जो प्रत्यक्ष रूप से गाँव की सभी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई रहती है, वो क्षेत्र पंचायत हों, ग्राम प्रधान हों, ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत के मेंबर हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, इन बॉडियों को और अधिक ताकत मिले, इनको और सशक्त बनाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा इनके साथ संवाद स्थापित किया गया। इसी संवाद की कड़ी में उन्होंने उनको और अधिक धन आवंटित करने हेतु कहा है और निश्चित रूप से ये सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। गाँव में पंचायतें मजबूत होंगी तो देश। देहरादून के त्यागी रोड स्थित एक निजी होटल में बीजेपी ने व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में व्यापारी भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मौजूदा समय में भी व्यापारी भाई राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, व्यापारी भाइयों का हमेशा से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जब शुरुआत में हमारी पार्टी की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक जनसंघ जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है, उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगे हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं,
सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य गोविंदपुरी गांव पहुंची, जहां उन्होंने संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेखा आर्य ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। रेखा आर्य ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के लिए सभी मंडलों की कार्य समिति बैठक संपन्न हो चुकी है और सभी कार्यक्रमों के लिए विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल केंद्र में हमारी सरकार ने पूर्ण किए हैं, उन 9 सालों में किस प्रकार से एक आम जनमानस के लिए सरकार ने कार्य किए हैं, उसे जन जन तक हम पहुंचाने का काम करें। उसके निमित्त 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह तय किया है कि विभिन्न प्रकार के उत्तराखंड में मौजूदा शत्रु संपत्ति पर सरकार के कब्जे की कवायद तेज हो गई है। मामले को लेकर केंद्र सरकार ने ऐसी कुछ प्रॉपर्टी की लिस्ट राज्य सरकार को भेज दी है, जबकि इसी तरह की कुछ अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। शत्रु संपत्ति का मामला 1969 से ही विवादित चला आ रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को ऐसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि केंद्र के पत्राचार के आधार पर उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा में शत्रु संपत्ति की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद गृह विभाग ने उस लिस्ट को सभी जिलों को भेजते हुए कब्जा लेने को कहा है। बता दें कि हरिद्वार के ज्वालापुर और भगवानपुर में ऐसी कई प्रॉपर्टी हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की पहचान इस लिस्ट में हुई है, जिसका बाजार मूल्य करोड़ों में आंका जा रहा है। बता दें कि 1947 में देश के बंटवारे के वक्त के अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध के वक्त जो नागरिक भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए थे, उनकी भारत में रह गई प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति करार दिया जाता है। देश भर में 9400 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां हैं। उत्तराखंड में अब तक ऐसी 69 शत्रु संपत्तियों की पहचान हो चुकी है। निश्चित रूप से जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय कुछ संपत्तियां जो यहाँ से बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्तियाँ यहाँ छूट गई थी। सरकार ने निर्णय लिया है कि उनका चिन्हीकरण का अभियान के रूप में उसको लिया है। कुछ संपत्तियों का उसमें चिन्हीकरण हो चुका है और कुछ संपत्तियों का चिन्हीकरण होना अभी शेष है। सरकार शीघ्र ही उनका चिन्हीकरण करके उनको अपने उत्तराखंड में सुपरटेक ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल 300 करोड़ का कर्जा न चुकाने पर बैंक ने नोटिस चस्पा कर दिया है। हरिद्वार के सिडगुल में पेंटागन मॉल की दुकानों पर भी बैंक ने नोटिस लगाया है, जिससे दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। 15 दिन में कर्ज न चुकाने पर कार्रवाई की बात कही गई है। बता दें कि बैंक का पेंटागन मॉल पर करीब 300 करोड़ रुपए का कर्जा है। अब मॉल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी सुपरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन चुकाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। बता दें कि साल 2022 से बैंक मॉल प्रबंधन को लगातार नोटिस दे रहा है, जिसके बाद अब 15 दिन में कर्जा न चुकाने पर कार्रवाई की बात कही गई है। दुकानदारों के मन में अब सवाल उठने लगा है कि क्या पेंटागन मॉल बंद हो जाएगा? अगर मॉल बंद होता है तो उसके बाद उनका क्या होगा? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में जरूर उठ रहे हैं, व्यापारियों के मन में उठ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 15 दिन में सुपरटेक ग्रुप 300 करोड़ का कर्जा चुका पाता है या फिर नहीं, और अगर नहीं चुका पाता है तो क्या डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाता है या फिर कार्रवाई हमें 15 दिन के बाद देखने को मिलती है। गैरसैंण के गिरतोली गांव के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सड़क की मांग को लेकर अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। महिला मंगल दल ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि अगर 2024 से पहले गिरतोली गांव की सड़क की मांग पूरी नहीं हुई तो वे लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। महिलाओं का कहना है कि रोड ना होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को गिरतोली से करीब 3 किलोमीटर दूर नंदासैन जाना पड़ता है, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। तो पहाड़ों में
सड़क की परेशानी बड़ी परेशानी है और गिरतोली गांव में भी अब लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जब सड़क नहीं है तो इसकी वजह से छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर महिलाएं हों, उन्हें खासी दिक्कतें हो रही हैं। साफ तौर पर संदेश भी दिया गया है कि अगर 2024 से पहले प्रशासन ने यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया तो फिर लोग वोट बहिष्कार करेंगे, चुनावों का बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। की बात पे पूरी तरह से सहमत है क्योंकि इस जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, हमें कोई भी चीज की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में जो भी नेता आते हैं बोर्ड लेके जाते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन वो बोर्ड लेने के लिए आते हैं दावा ठोक के चले जाते हैं कि लेकिन हमारे गाँव में रोड आएगी, सबका सोल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई भी नेता उसके बाद देखने तक की नहीं आता है यहाँ पे। उसके बाद हमें बहुत सारी मांगे कर लेता है और उसके बाद बोलते हैं कि उसको देखने तक कोई बीमार पड़ता उसको देखने के लिए नहीं आते हैं। सर, हमारे यहाँ पे जो ये महिला मंगल दल है ये बहुत शारीरिक है लेकिन इनका जो भी है अभी जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत सही सलामत कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे प्रॉब्लम जो है रोड का है। रोड के विषय में हमारी औरतें कम से कम 10-12 साल से इकट्ठा हुए हैं और ये रोड का विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रोड का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जो भी नेता आ रहे हैं बोल रहे हैं, फुसला रहे हैं कि बता रहे हैं कि हम तुमको रोड जरूर देंगे लेकिन बाद में जब वो वोट जीत जाते हैं तो कोई आने के लिए राजी नहीं है। कारण है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, हमें 3 किलोमीटर पैदल चढ़ के आना पड़ता है, बीमारी में डोली और उसका साधन करके ले जाना पड़ता है। आदमी को छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत परेशानी होती है चढ़ने पे। और हम काफ़ी सालों से रोड की मांग कर रहे हैं, काफ़ी साल से हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, हमारी कोई मांग भी पूरी नहीं हो रही है। हमारे गांव का नाम अम्बेडकर ग्राम गिरतोली है जिसकी कोई मांग पूरी नहीं हो पा रही है, इस कारण हम रोड की मांग करने का। हरिद्वार के लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ये कि आखिर उन्हें जाम के झंझट से निजात कब मिलेगी। दरअसल इन दिनों हरिद्वार में चारधाम यात्रा और बच्चों की छुट्टियों की वजह से जाम की स्थिति है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की समस्या को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने शंकराचार्य चौक से लेकर दुधाधारी चौक तक बाइक से निरीक्षण किया। एसएसपी को बाइक पर देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने लोगों से फीडबैक लिया, साथ ही वे गाड़ियों के लिए बनी पार्किंगों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। देखिए ये निरंतर जो मॉनिटरिंग रहती है अधिकारियों की, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया और चारधाम यात्रा भी थी हमारे यहाँ, बहुत सारे स्थान मेले भी पड़ते रहते, आगे कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ग्राउंड पर जाकर वैसे तो बात होती है लेकिन ग्राउंड पर जाकर जब वो समस्याओं को समझते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे समाधान से जो है ट्रैफिक को राहत मिल सकती है। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यातायात मतलब दबाव रहा है इसमें क्योंकि काफ़ी सारे संख्या में वाहन है, उसको देखते हुए पार्किंग वालों से भी बात करते हैं और क्या बेहतर हो सकता है जिससे सुविधा बनी रहे और साथ ही साथ जो हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स हैं। पहाड़ों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही है। इसी कड़ी में पौड़ी में राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिताबी मुकाबला गढ़वाल हीरोज के नाम रहा। गढ़वाल हीरोज ने एक तरफा मुकाबले में कंचनजंगा दार्जिलिंग को 4-0 से हराया। बता दें कि फाइनल मुकाबला कंडोलिया मैदान में खेला गया था जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। फाइनल मुकाबले में गढ़वाल हीरोज की टीम ने कंचनजंगा दार्जिलिंग पर मैच की शुरुआत से ही दबाव बना दिया था और फाइनल मुकाबले को एक तरफा बनाते हुए 4-0 से जीत भी दर्ज की। मैच में प्रदीप रावत, मिलन छेत्री और दीपक रावत ने निर्णायक की भूमिका निभाई। आज जो आयोजन यहाँ पर किया गया है और विगत कुछ वर्षों से हो रहा है, ये निसंदेह पौड़ी के जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक नया संदेश लेकर के आएगा और भविष्य में भी एक बहुत अच्छे फुटबॉल खेलने की ओर अग्रसर होंगे। आज यहाँ पे गढ़वाल की टीम ने विजेता की, पिछली बार भी बीएसएफ ने की थी, तो किस तरह से इन खिलाड़ियों को मनोरंजन आप आशीर्वाद देना चाहेंगे? मेरी पूरा उत्तराखंड जो है वो हमारा अभी खेलों के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और संसाधन भी बहुत कम है। मैं क्योंकि ये इस तरह के आयोजन अगर हमारे उत्तराखंड में पौड़ी से हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट एक चीज़ कहूँगा कि हम फोकस्ड है बहुत हर मैच के लिए और प्रिपेयर हर मैच के लिए, तो
हमारे मेरे लिए बहुत इजी था ये मैच जीतना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स हैं जो सबसे बेस्ट है मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट नहीं है। आगे क्या है आपका रुझान मतलब खेलने के, खेल प्रेम के देखे, क्योंकि पौड़ी में काफी इसको फुटबॉल को मैच को देखे जाकर रुचि देखी जाती है, देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे फुटबॉल का बहुत क्रेज है पौड़ी में, और ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे बच्चे हैं ये तो हमें देख के सीखते हैं, और जो हमसे भी सीनियर हैं हम उनको देख के सीखे हैं, तो एक ये फ्लो बना हुआ है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।